पासवान आज सभी सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। देखा जाए तो एनडीए के सहयोगी हैं लोजपा, लेकिन लोजपा आए दिन नीतीश सरकार के कुछ निर्णय से नाखुश नजर आती है, लेकिन आज इस अहम बैठक में ये चीज साफ हो जाएगा कि लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और चिराग पासवान नीतीश के साथ हैं या नीतीश से आगे निकल जाएंगे, इसका भी बात आज बैठक के बाद सामने आ जाएगा। देखा जाए तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो चिराग पासवान है उनका आए दिन नीतीश कुमार के कुछ नीतियों के खिलाफ, कुछ काम के खिलाफ सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन ऐसे में जो बीजेपी है उसके नेतृत्व में लोजपा भरोसा रखती है और वो कहती है बार बार, चिराग पासवान बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी पे उनको भरोसा है और बीजेपी नीतीश कुमार को अपना चेहरा मानती है तो लोजपा भी अपना पूरा सहयोग देगी। तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि आज के अहम बैठक में लोजपा कितने सीटों का दावा करती है। अभी तक एनडीए में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि लोजपा आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने पहले ही चिराग पासवान ने दिल्ली में एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोजपा 243 सीटों के लिए भी तैयार है, लेकिन क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है इसमें अब एनडीए के अंदर रहकर लोजपा कितने सीटों की मांग करती है आज इस बैठक में साफ हो जाएगा। तो देखना अब यह होगा कि जिस तरीके से जहां एक तरफ लोजपा जदयू से नाखुश है वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर पूरा भरोसा करती है, ऐसे में जो सीटों की बंटवारे की बात आती है, सीटों की मांग की बात आती है, तो बीजेपी और जदयू के सामने लोजपा कितनी सीटों की मांग रखती है ये आज पता चल जाएगा। फिलहाल बने रहे अजय भारत के साथ। हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।